अस्सलाम वालेकुम, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी टेबल चार्ट को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पूरे डेटा में जो हाईएस्ट नंबर है उसको माइनस करेंगे हम लोएस्ट नंबर में से। ठीक है, इसे सबसे पहले हमने डिटेक्ट करना है हमारे पास लोएस्ट नंबर क्या है। तो लोएस्ट नंबर से हम यहाँ पे क्लास नेमर्स को स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्लास नेमर्स बनाएंगे, आफ्टर दैट वी विल फाइंड फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज, टैली मार्क्स एंड क्लास मार्क्स। ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी टेबल चार्ट में अकॉर्डिंग टू क्लास नेमर्स तो हम डेटा को देख के बनाते हैं, बाकी ये चार चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे लोएस्ट नंबर देखना है यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे लोएस्ट नंबर है 21, यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर है जो ये। ठीक है, सो क्लास इंटरवल हमारा स्टार्ट होगा 21 से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करनी है। हाईएस्ट नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर है 50 को हम माइनस करेंगे लोएस्ट नंबर 21 में से। 50 को जब हमने 21 में से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 29। ठीक है, 29 आ गया। अब हमने ये देखना है कि हमने कितने ग्रुप्स हमने यहाँ पे बनाने हैं। सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टू ग्रुप्स हैं, हम बना सकते हैं 5। यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं हमने कितने ग्रुप्स बनाने हैं। सो हमने डिसाइड किया कि हमने 6 ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, तो हम इस रेंज को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी विड्थ। ठीक है, सो रेंज को हमने जब डिवाइड किया, 29 को डिवाइड करना है जितने हमने डिसाइड किया कितने ग्रुप्स बनाने हैं, 6 ग्रुप्स बनाने हैं। तो हमने 29 को 6 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गई विड्थ 4.8। ठीक है, तो विड्थ हमारे पास आ गई 4। इट मींस दैट यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 21, इसमें हमने 4 ऐड करना है। जब हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, सो क्लास इंटरवल होगा हमारे पास 5 का, 21 से लेके 25 तक। इसमें हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हो गए हैं, 5 नंबर्स हो गए। ठीक है, सो क्लास इंटरवल हमारे पास हो गया 5 का और विड्थ हमारे पास हो गया 4। ठीक है, 21 में हमने 4 को ऐड किया, 25 आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 26 से। 26 में हम विड्थ 4 को ऐड करेंगे, वी विल गेट 30। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होगा क्लास इंटरवल 31 से और जाएगा ये हमारे पास 35 तक। 35 से 36 से स्टार्ट होगा और ये हमारे पास जाएगा 40 तक। 41 से स्टार्ट होगा और इट विल गो टू 45 एंड यहाँ पे ये 46 से स्टार्ट हो गया, ये हमारे पास आ गया 50 तक। सो हमने ये क्लास नेमर्स बना ली हैं, ये हमारे पास 6 ग्रुप्स बन गए हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्रीज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज़ लोअर क्लास लिमिट इस इंटरवल की और ये हमारे पास अपर क्लास लिमिट है। ठीक है, अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, हमने ये देखना है 21 से लेकर 25 तक हमारे पास कितने नंबर्स हैं। लोग देख सकते हैं 21 सबसे पहला नंबर है 21, उसके बाद हम देखेंगे 22 ये सेकेंड, यहाँ पे 25 थर्ड, ये 25 थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। टोटल कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे फोर नंबर हम देखते हैं वही है ये 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स डिजिट्स हैं हमारे पास 21 से लेकर 25 तक। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने क्या करना है, इसी के साथ टैली मार्क्स बना लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4 टैली मार्क्स में हम 4 लाइन्स एक साथ लगा सकते हैं, फिफ्थ लाइन हमने इसके ऊपर लगानी है और यहाँ पे फिफ्थ ये होगी और दिस इज 6-1। अब हमने 26 से लेके 30 तक नंबर देखते हैं कितने हैं। 26 से लेके 30 तक हमारे पास नंबर है 7। ठीक है, सो वी विल राइट ओवर हेयर 7। इसी तरह से हम सारी फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर लेंगे, सो दैट वी हैड फाउंड ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अब हम जाते हैं टैली मार्क्स के ऊपर, टैली मार्क्स हम लगाएंगे 1, 2, 3, 4 फिफ्थ लाइन ऊपर आ गई, 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4 उसके बाद 6 है, 1, 2, 3, 4 ये फिफ्थ लाइन और ये 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हमने टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। अब हम जाएंगे क्लास बाउंड्रीज के ऊपर। क्लास बाउंड्री हमने कैसे फाइंड आउट करनी होती है कि हम यहाँ पे ये जो सेकंड क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट को माइनस करेंगे इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट में से, यानी कि 26 को माइनस करेंगे 25 में से एंड जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर। 26 को माइनस करेंगे 25 में से और 2 के ऊपर डिवाइड किया, 1/2 इक्वल टू 0.5। इस 0.5 का अब हमने क्या करना है,
लोअर लिमिट में से इसको माइनस करना है, अपर लिमिट में से में हमने इसको ऐड करना है. सो वी विल गेट ओवर हेयर 20.5 अप टू 25.5. इसमें से माइनस किया एंड इसमें ऐड किया, इसमें माइनस करेंगे एंड इसमें ऐड करेंगे. ये हमें तमाम क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर ली हैं. अब हम जाते हैं क्लास मार्क्स के ऊपर. क्लास मार्क्स को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं. ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमने लोअर लिमिट में ऐड करना है मिड पॉइंट, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. लोअर लिमिट में हम ऐड करते हैं अपर लिमिट को और टू के ऊपर डिवाइड करना है. यानी यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो 21 है, 21 को हम ऐड करेंगे 25 में और टू के ऊपर डिवाइड करेंगे. सो वी विल गेट ओवर हेयर 46/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23. तो इस तरह से सारे आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए देने हैं. 26 को 30 में ऐड करके 2 के ऊपर डिवाइड करना है. सो हम तो सो पहला मिड पॉइंट हमारे पास आ गया 23. अब हम सारे मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे. सो हमने सारे मिड पॉइंट्स यानी कि क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर लिए हैं. सो दैट वाज फ्रॉम टुडेज लेक्चर फ्रिक्वेंसी टेबल 4. होप सो आपको समझ आई होगी. फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़.